पिछले दिनों उज्जैन के संजय नगर में 7 और 8 नवंबर की दरमियान रात में हुई मां बेटे के जघन्य हत्याकांड का खुलासा करते हुए उज्जैन पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। पुलिस के अनुसार पत्नी से हो रहे लगातार विवादों के चलते आरोपी ने हत्या को अंजाम दिया है। इस हत्याकांड का कारण आरोपी का किसी अन्य महिला से संबंध होना भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अन्य साक्ष्य जुटाकर आगे की कार्यवाही कर रही है। आगर रोड स्थित संजय नगर में हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी सचिन अतुलकर ने बताया कि आरोपी की मृतक महिला से यह दूसरी शादी थी। दोनों पति पत्नी में चरित्र शंका को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। जानकारी के अनुसार आरोपी का किसी अन्य महिला से भी संबंध था। आरोपी अनिल यादव बस ड्राइवर है और इंदौर उज्जैन बस चलाता है। बताया जा रहा है कि मृतका सरिता का पूर्व पति उसके द्वारा दूसरी शादी करने और उसे छोड़ देने से नाराज रहता था। वहीं आरोपी अनिल भी उस पर भरोसा नहीं करता था। नतीजतन आए दिन घर में झगड़ा होता था। 7 और 8 की दरमियान रात भी झगड़ा हुआ और अनिल ने माँ बेटे दोनों को मौत के घाट उतार दिया। उज्जैन से अजय नीमा की रिपोर्ट। रीजन निकला है मैसेज चिमनगंज में हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ जिसमें एक महिला और एक बच्चे की हत्या कर दी गई। चूँकि दोहरा हत्याकांड था, पुलिस द्वारा इसको गंभीरता से लेते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी एफएसएल साइंटिस्ट द्वारा मौके का भ्रमण किया गया। क्योंकि महिला और उसके पति का लगातार विवाद होता रहता था तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया था पुलिस ने उसके पति संदीप को जो है टीम बनाकर तत्काल गिरफ्तार किया और पूछताछ में सामने आया है कि महिला और उसके पति के बीच चरित्र शंका और मकान विवाद को लेकर लगातार झगड़ा होता रहता था और उसी के कारण पति ने योजनाबद्ध तरीके से पत्नी की हत्या करी और जो बच्चा है वो भी साक्ष्य इसमें ना था। इस कारण बच्चे की भी पति द्वारा हत्या कर दी गई। पुलिस ने इसको तत्परता से लेते हुए कार्रवाई की है। प्रकरण को महत्वपूर्ण मानते हुए इसको चिन्हित करेंगे, सनसनी के प्रकरण की श्रेणी में भी रखा है। जिन पुलिस अधिकारी कर्मचारी ने अच्छा काम किया वो पुरस्कृत किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।